हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये मेरा नाग चंपा का प्लांट है और इसमें दो डाली काट के हम लगाए थे। देखिए दोनों है, एक दो, ठीक है। और एक साल हो गए हैं, पिछले साल इसमें अच्छा फ्लावरिंग हुआ था, तो इस साल देखिए हम ले आके क्या किए ना, कटिंग कर दिए ताकि इसमें से और भी न्यू ब्रांच निकले और हो। लेकिन देखिए क्या ऐसा है कि इसी ये में हुआ है और कितना घास फूस हो गया है, थोड़ा तोड़ देते हैं। हाँ, इसमें एक में देखिए कितना सुंदर हुआ है। ये देखिए, ये डाल में देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ न्यू निकल के आए हैं। नया देखिए, केले पत्ते हो गए हैं थोड़े, तो स्वाभाविक है गर्मी दिन में हो गई। पर इसमें क्यों नहीं हुआ है? खाद पानी जो भी हम इसमें डालते हैं एक ही जैसा हुआ है, पर इसका देखिए एक ही निकला है, एक में अभी हुआ ही नहीं है। शायद बाद में, देखिए अभी नया नया निकल रहा है, देखिए छोटा छोटा, देखिए। तो इसमें से देखिए ना, इसका ये भी निकल के आ रहे हैं, देखिए फूल के लिए ना स्टिक निकला है, स्टिक। कटिंग से लग जाते हैं नाग चंपा के प्लांट, बहुत इजी है और बहुत अच्छा। ये बारिश आ रहा ना, अभी इसमें इतना फूल होंगे और फूल भी ऐसा, मतलब 15-15, 20-20 दिन तक ऐसे ही रहेंगे, कुछ ख़राब नहीं होते फूल, बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट पूरा, मतलब आपका छत में इतना, इसके वजह से ही छत खिला खिला सा लगेगा। तो हाँ, इसका कटिंग जो हम काटे थे ना, उससे भी लगा दिए हैं, लग चुका है, नेक्स्ट ईयर उसमें भी शायद फूल आ जाएंगे। तो हम इसको सोचे हैं, मेरा बहुत फेवरेट फूल है, तो हम इसको सोचे हुए हैं कि 4-5-8 तो लगा ही देंगे, बहुत प्यारा है फूल। आप लोग भी इसी तरह कटिंग लगाइए अपने गार्डन में, कटिंग से बहुत सारे पेड़ पौधे बनाइए और खुश रहिए। थैंक यू।